सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं, इसके अंदर हमने बताया कि दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन UGC नेट एग्ज़ाम में आता है और मैं आपको विद लाइव प्रूफ के दिखाऊंगा। दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन UGC नेट के अंदर आता है, इसका आंसर आप केवल और केवल 2 सेकेंड के अंदर दे सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना जिससे आप अच्छे से एग्ज़ाम कर सकें। दोस्तों, हमने NTA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ 2 वीडियो मिलेगी। सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वैसे तो बहुत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि हर एक वीडियो में करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एनालॉग आर्ग्यूमेंट यानी कि सादृश्यमूलक तर्क के बारे में बात करेंगे और इसको हम कितने आसानी से कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा दिसंबर 2013 के क्वेश्चन पेपर में आया था। इसके अंदर क्या है कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन। शनि और मंगल दोनों पृथ्वी की तरह ही ग्रह है, वे सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दी है, तो इसे हमें पढ़ के हमें बताना है कि ये किस तरह का तर्क है। तो इसमें अगर दोस्तों देखोगे तो इसका आंसर आएगा सादृश्यमूलक तर्क। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सादृश्यमूलक का मतलब क्या होता है। सादृश्यमूलक का मतलब होता है यानी कि उसके जैसा दिखने वाला, ठीक है, जिसके अंदर हम किसी चीज़ का कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, सादृश्यमूलक तर्क होगा। और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और दोस्तों, अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे और इसमें ऐसे आएगा जैसे कि, उसकी तरह, इस तरह के हमें सेंटेंस देखने को मिलेंगे जिससे हम बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि इसका आंसर सादृश्यमूलक है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर इन्होंने दिया है, जिस प्रकार किसी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटने से सेना की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कहा है कि जिस प्रकार सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को बांटने से सेना की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा आएगा सादृश्यमूलक तर्क यानी कि एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम बिल्कुल आसानी से 2 सेकंड के अंदर दे सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा परखने की आवश्यकता है। अब ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी का अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना इसी प्रकार है जैसे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी इसने क्या कहा है, जैसे, यानी कि इसमें कंपेयर कर रहा है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, सादृश्यमूलक तर्क आएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कितना आसान है हमारे लिए करना। और अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश के अंदर ये है 22, तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे को नहीं लगता कि इससे आसान कोई क्वेश्चन UGC नेट के अंदर आ सकता है और ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और अभी मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2015 के अंदर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि शिक्षकों का रोजगार पूर्व परीक्षण बिल्कुल उचित है क्योंकि चिकित्सकों, वस्तुकारों एवं अभियंताओं जो इस समय नियुक्त है को ऐसे परीक्षण का सामना करना
पड़ा। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कंपेयर किया हुआ है, शिक्षक हो गए, चिकित्सक हो गए, वास्तुकार हो गए, इन सभी का कंपेयर किया हुआ, कंपेरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर आएगा सादृश्य मूलक तर्क, यानी कि। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आप ये इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि ये देखिए ये अपना 31 इंग्लिश में यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरह से रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसके अंदर 31 क्वेश्चन नंबर है, ये वही है। और इसके अंदर क्या है ये देखिए कि यह कल्पना करना कि इस अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी ही एक बसी हुई दुनिया है, ऐसा असंगत कथन है, जैसा यह कि बाजरे के खेत में केवल एक दाना उगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है उसका कंपेयर किया जा रहा है बाजरे के खेत में, जो बाजरा उगाते हैं हम, दाने उगाते हैं, उससे इसका कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए। तो यहाँ पे हम बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर इसका पढ़ के आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा सादृश्य मूलक तर्क, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना आसान है, कितना आसान है, और लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अभी हमारा जो क्वेश्चन पेपर हुआ था जुलाई 2018 का, उसमें भी आया था। अब ये देखिए जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर भी इन्होंने ये देखिए, महिलाओं तथा पुरुषों की प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है। और ये देखिए आगे पढ़ोगे तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, उसी तरह जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखों को, अब देखिए यहाँ पे जो महिला और पुरुष है उसका कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, पक्षियों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, सादृश्य मूलक तर्क आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना आसान है, कितना आसान है, और इससे आसान क्वेश्चन शायद ही UGC नेट में मिलेगा। यहाँ पे आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, और आगे हम आगे देखते हैं आगे कब ये रिपीट हुआ है। देखिए अब ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा नवंबर 2017 का, पीछे आया था जनवरी 2017 में, यानी कि हर क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन नवंबर 2017 में। देख लेते हैं ये आ गया, जैसे गिलास में बर्फ़ के पिघलते गोलों से, आप इसे पूरा पढ़ोगे तो इसमें आपको आप देखोगे कि कंपेयर किया जा रहा है, जैसे गिलास में बर्फ़, ठीक है, इसमें कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, उसका आंसर आएगा सादृश्य मूलक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली ठीक होना ही चाहिए किसी भी हालात में। और एक चीज़ और देखना दोस्तों, अगर कहीं ऐसा ना हो कि ऑप्शन के अंदर सादृश्य मूलक दिया हो और वहाँ पे कंपेयर ना किया गया हो, ठीक है, हमें ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ पे कंपैरिजन है या नहीं है। कंपैरिजन होगा तभी उसका आंसर क्या आएगा, सादृश्य मूलक आएगा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सादृश्य मूलक आएगा, सादृश्य मूलक आएगा, और क्वेश्चन कोई अलग ही आ जाए, उसके अंदर ऑप्शन दिया हो सादृश्य मूलक, आप 1 सेकंड के अंदर आंसर लगा दो सादृश्य मूलक, और फिर आप मेरे को कहो कि सर आपने तो कहा था सादृश्य मूलक आएगा सभी का, तो आएगा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना कि उसमें कंपेरिजन किया हुआ है या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों जुलाई 2018 का अभी जो अपना क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो ये देखिए आगे आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, जिस प्रकार कॉनकेव दर्पण उस पर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर संघरित करता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन कर रहा है कि जिस प्रकार, यानी कि जिस तरह से, ठीक है, कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पे। आप ये पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा इसे तो काफ़ी लंबी ये वीडियो बन जाएगी, आप इस वीडियो को रोक के आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम कंपैरिजन करते तो उसका आंसर क्या आएगा, सादृश्य मूलक तर्क, यानी कि एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे लिए कितना आसान है, कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, आपने विद लाइव प्रूफ देखा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।